इसका जो आप पूरा ट्यूटोरियल जो देखोगे, इसका बेनिफिट आपको ये है कि लास्ट बहुत टाइम से मयंक जो हेयर कट जो कर रहा है, या मैं जो मयंक के लिए जो हेयर कट जो स्पेशली हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, वो हेयर कट आप आपके बाबा को जाके दिखा सकते हैं कि कैसे उनको वो हेयर कट करना है। ओके, फेस कट के हिसाब से, स्टाइलिंग के हिसाब से, बेसिकली ये जो हेयर कट जो हम लोगों ने इंस्पायर्ड जो किया है, क्योंकि मयंक भी इंस्पायर्ड है आमी और मैं भी इंस्पायर्ड हूँ आमी से। ओके, तो एक डिज़ाइन हेयर कट है जो ओल्ड आर्मी स्कूल से डिज़ाइन किया हुआ है। बेसिकली इसमें हम लोग साइड फेडेड बहुत ज़्यादा करके, क्योंकि आर्मी पर्सन को कभी भी आप देखोगे तो साइड फेडेड बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो फेडेड हेयर कट को हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न टेक्निक में कैसे लेके आए, जिससे आप स्टाइलिंग भी आप आपका प्रेजेंट कर सके, कि वो आर्मी को भी प्रेजेंट करे, वो एक स्टाइलिश पर्सन को भी प्रेजेंट करे। तो यस, वैसे मतलब स्टाइल भी वो आप दोनों को आप कैरी कर सकते हो। लगे दिखा सकता है। बेसिकली इसमें चीज़ें जो फॉलो जो करनी है वो है लेंथ। ओके, क्योंकि आपका जो टॉप पोर्शन जो रहेगा उसमें आपको लेंथ होना ज़रूरी है, अगर आपको स्टाइल करना है तो। अगर शॉर्ट हेयर कट में जाओगे तो वो आपका प्रॉपर आर्मी कट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेंथ में आपको देखना है कि आपका टॉप जो लेंथ है वो होना ज़रूरी है। ओके, साइड में ज़रूरी नहीं है कि लेंथ हो, क्योंकि साइड आपको वैसे भी फेडेड करना है। ओके, तो इसके लिए आपका जो टॉप लेंथ है वो आपको ग्रो कर, अगर है तो आप डायरेक्टली आपके बाबा के पास जाके उनको बोल सकते हो, अगर नहीं है तो आपको वो ग्रो करना है। मैं मेरे हेयर कट में ज़्यादा करके मूज यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो मुझे सेक्शनिंग में हेल्प करता है, होल्ड देता है, तो ज़्यादा क्लिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपका जो सेक्शन जो है वो होल्ड अच्छी तरह से हो जाता है, नेचुरल होल्ड हो जाता है। क्लिपिंग कभी कभी डिस्टर्ब करता है आपको फेडिंग में। ओके, तो जब भी आप लोग बजर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डिस्टर्ब करेगा, तो इसके लिए मैं ड्राई हेयर पे मूज यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो फेडिंग जो होता है वो जनरली ड्राई हेयर पे आप करोगे तो आपका लाइनिंग आपको अच्छी तरह से विजिबल होता है। बजरिंग मतलब ये जो हम लोग जो ट्रिमर जो यूज़ करते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें आपका लेंथ जो है वो फोरहेड, साइड टेम्पल, ईयर, इसमें गैप कितना है उसके हिसाब से आपको ज़ीरो करना है, वन करना है, 0.5 करना है, 2 करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। ये आपका टेम्पल होता है, ये आपका ईयर है, इसमें आपका गैप कितना है उसके हिसाब से आपका स्टाइलिस्ट, आपका बाबर जो है वो डिसाइड करेगा कि कितना फेड करना है। ओके, मयंक का आप देखोगे तो इसमें गैप है तो हम लोग मैक्सिमम फेडिंग करते हैं। ओके, आप हमेशा देखते हो कि जो फेडेड जो होता है मयंक का वो मैक्सिमम होता है, तो वो उसके लिए, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। ओके, सेकंड जो ईयर जो पोर्शन जो होता है वो कितना बड़ा होता है। ओके, क्योंकि मयंक का आप देखोगे अगर साइड से देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि हम लोग डरते हैं कि मेरा ये बहुत पोर्शन बहुत ज़्यादा दिखेगा, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आपको फेड कितना करना है, आपको लेंथ कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कैलकुलेट करनी है, उसके हिसाब से आपका जो हेयर कट जो है वो प्रेजेंट होता है। साइड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब तक वो नहीं आपका ढंग से होगा तब तक आपका ना हेयर कट प्रेजेंट होगा ना आपका साइड फेडेड प्रेजेंट होगा। अगर आपको आपके हेयर कट को ईजी करना है तो हमेशा आप फॉलो करोगे ट्रायंगल को। ट्रायंगल आपका ये टेम्पल, आपका ईयर बोन और आपका फोरहेड, ये जो ट्रायंगल जो है ये, और ये आपका बीच में आता है चिक बोन। ओके, ये सब सारी चीज़ें जो है जिनको आप मिलाओगे, ये जो चिक बोन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीन चीज़ों को आप मिलाओगे तो आपका ट्रायंगल एक क्रिएट होता है। आप इसमें खेल सकते हो, आपका अगर ईयर पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है ओके, तो आप लेंथ जो है वो आपका कर्व जो होता है ओके, वहाँ पर आप ज़्यादा लेंथ रखोगे, जिससे आपका जो फेडिंग जो है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। और फेडिंग करना मतलब इसका ऐसे मतलब ये नहीं कि आपने जीरो यहाँ से स्टार्ट किया और डायरेक्ट ख़त्म किया आपके कर्व पे, क्योंकि ज़्यादा करके बाबर्स के पास हम लोग जाएंगे, उनको बोलना है, उनको बोलोगे आप कि मुझे फेडेड हेयर कट करना है, वो स्टार्ट करते हैं ईयर से और ख़त्म कर देते हैं साइड पोर्शन से, जो सबसे गंदा हेयर कट जो सबसे गंदा लगता है। अभी जैसे अभी मयंक का ऑक्सीपिटल बोन विजिबल नहीं है, मतलब वो बोनी नहीं है जिससे वो ज़्यादा दिखता है। किसी किसी का कैसे होता है कि नेक में और ऑक्सीपिटल में बोन में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो अगर आप पूरा ज़ीरो कर दोगे तो वो ऑक्सीपिटल बोन अप होके आता है, जो साइड से अगर आपको कोई देख रहा है, पीछे से कोई आपको देख रहा है तो वो बहुत गंदा लगता है। तो उसके लिए आपको ये जो है, जस्ट टर्न करता हूँ, ये जो पोर्शन है जिसको ऑक्सीपिटल बोन बोला जाता है, ये आपका अगर अप है तो आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं जाना है, अगर ये आपका लेवल में है तो आप बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। रेज़र फेडिंग में ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि रेज़र को आपको कैसे यूज़ करना है।
ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन जाना है, वी शेप आप कर सकते हो, आप यू शेप कर सकते हो, आप उस तरह से आप फेडिंग कर सकते हो जो नेक के हिसाब से होगा। किसी किसी का नेक बहुत बड़ा होता है तो आप उन पर वी या यू ट्राई कर सकते हो। ओके, वी जनरली नहीं हम लोग करते क्योंकि वी अगर करोगे तो एक ऐसे लगता है कि उस पर कुछ चिपकाया है। ओके, तो बेटर है यू। ओके, या स्ट्रेट लाइन आप फॉलो कर सकते हो। किसी का नेक बहुत पतला होता है तो आप उन पर वी कर सकते हो। ओके, जो दिखने में बेटर लगता है। जो शेप जो है इसको कॉनकाव बोलते हैं। इसमें जो अभी जो मैं जो यू टेक्निक जो यूज़ करो, मैं रेजर का सिर्फ पॉइंट है जो फिर मर्जिंग के लिए यूज़ करो, जो ज़ीरो और जो रेजर है उसको मर्ज करने के लिए मैं वो सिर्फ जो पॉइंट जो है रेजर का वो यूज़ करो। बेसिकली ये जो सब टेक्निक है वो बाबर्स को पता चलेगी। हेयर कट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपका आपका हेयर कट चेंज करना है तो आपको आपका स्टाइलिस्ट बाबर चेंज नहीं करना है। जहाँ पे आपको पसंद आ रहा है वो बार्बर को थोड़ा सा टाइम दो, यानी एटलीस्ट 2-3 हेयर कट करने दो उसको, तभी आपको प्रॉपर हेयर कट चेंज मिलेगा। तो इसके वजह से आपके हेयर कट में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते, क्योंकि लेंथ फिर वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम के साथ भी हमें हमेशा खेलना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपका जो बार्बर है, एक बार्बर के पास एटलीस्ट 3-4 टाइम कंटिन्यू हेयर कट कर लो। उसके बाद आपका हेयर कट जो है एटलीस्ट नेक्स्ट 6-9 मंथ्स के लिए सेट हो जाता है। टॉप पोर्शन जिसको हम लोग क्राउन सेक्शन बोलते हैं, इसका हेयर कट अगर मुझे पॉम्पेडर करना है, मुझे मॉडर्न क्विफ करना है, तो जो टेक्निक जो हम लोग जो फॉलो करते हैं वो होता है शॉर्ट टू लॉन्ग। आपका ये पोर्शन शॉर्ट होगा और ये पोर्शन लॉन्ग होगा, तभी आपका फोरहेड पे वॉल्यूम आएगा जो हम लोग पॉम्पेडर देखते हैं, जो हम लोग क्विप देखते हैं। तो वो टेक्निक आपको फॉलो करना है जिसके लिए आपको लेंथ होना ज़रूरी है। अगर आपने पैरेलल लेंथ रखा तो आपका वॉल्यूम भी पैरेलल लगेगा। तो इसके लिए आपको लेंथ जो कट करना है तो आप अपने बाबा को बोल दो कि मुझे ये एंगल में हेयर को शॉर्ट करना है। टेक्सचराइजिंग सीजर, इसको टेक्सचराइजिंग सीजर बोलते हैं, इसको थीनिंग सीजर नहीं बोलते, इसको टेक्सचराइजिंग सीजर बोलते हैं। इससे आपके हेयर कट में टेक्सचर बहुत अलग से चेंज हो जाता है। इसके लिए जिनके भी दिमाग में इसके बारे में डर है, प्लीज़ इट्स अ गुड सीजर। ओके, इससे कुछ नहीं होता, सिर्फ जो बंदा यूज़ कर रहा है उसने अगर सही ढंग से यूज़ किया तो दिस इज द बेस्ट टेक्सचराइजिंग सीजर। इसका बेनिफिट ये है, अभी जो मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ टेक्सचराइजिंग सीजर के साथ, ये डेंस को कम करके स्टाइलिंग में सेपरेशन दे देता है। तो अगर जिसका हेयर बहुत ज़्यादा डेंस है उनके हेयर में मैं ये टेक्निक फॉलो करता हूँ। ये जो मैं चीज़ जो फॉलो जो करता हूँ वो मैं अंडरकट में भी फॉलो करता हूँ। पार्टिंग मुझे चेंज करना है, पार्टिंग को शार्प करना है, उस टाइम पे भी मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ विद द रेजर। जो पार्टिंग होता है उसको शार्प करने के लिए आप कर सकते हो, या आप अंडरकट के लिए भी कर सकते हो। सिर्फ ध्यान देना है, अगर आप अंडरकट कर रहे हो तो आपका साइज जो होगा वो बड़ा होगा। जो लाइन जो कट करोगे या वो आप 2 या 3 हेयर लाइन कट करोगे। अगर आपको पार्टिंग चेंज करना है तो सिंगल लाइन हेयर कट हो गया। आप जो हेयर कट जो कर रहे हो, ओके, या जो आप हेयर कट ले रहे हो, करके ले रहे हो, उसको प्रेजेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और उसके लिए प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सॉल्ट स्प्रे, टेक्सचराइजिंग सॉल्ट स्प्रे बामिन का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बामिन एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द वॉल्यूम। इसको आप ड्राई हेयर पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप वेट हेयर पे यूज़ करते हो। अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है वेट हेयर। ओके, वेट हेयर पे यूज़ करने के लिए रीज़न, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि उसमें मुझे नेचुरल वॉल्यूम क्रिएट करना है, जिसके लिए मैं वेट हेयर पे यूज़ करूँगा। आप ड्राई हेयर पे यूज़ करोगे तो आपको आर्टिफिशियल मतलब आपका फिनिशिंग लुक आएगा। जब भी हम लोग को अगर फिनिशिंग करना है तो इसके लिए आप ड्राई हेयर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट स्प्रे यूज़ हो गया प्रॉपर वेट हेयर पे, नॉर्मल ब्लास्ट ड्राई हो गया। ओके, अभी यूज़ करें वॉल्यूम मूव्स, ये भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है बामिन का। मिनी आयन मिनी ब्लो ड्रायर आप कैरी कर सकते हो आपके खुद के स्टाइलिंग के लिए, आप ट्रैवल कर रहे हो घर पे, इसका भी एक है यूज़ करने का तरीका। मैट सेपरेशन लाइक ऑलवेज 6 साल से यूज़ कर रहे हैं। यस, और 6 साल द बेस्ट, और 6 साल मुझे नहीं लगता इसका कॉम्पिटिटर कोई बनाएंगे, हम खुद ही बनाएंगे आ सकता है। तो अभी जो प्रोडक्ट जो हमने जो यूज़ किया उसका टेक्निक कितना यूज़ करना है,
स्कैल्प से कितना दूर यूज़ करना है, हेयर से कितना यूज़ कर, क्वांटिटी यूज़ कितना करना है, वो भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अभी जैसे आप ये जो अभी जो स्टाइल जो देख रहे हैं, जो फिनिशिंग दे देख रहे हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता तो मेरा मूवमेंट नहीं आता हेयर में, मतलब आयनिंग प्रॉपर नहीं होता या ब्लो ड्राई में फिंगरिंग अच्छी तरह से नहीं जाता। तो इसके लिए इसको बहुत कम अमाउंट में मैंने यूज़ किया, ये दोनों का कॉकटेल किया, सॉल्ट स्प्रे और मूस का कॉकटेल किया, कि जिससे मुझे हेयर में मूवमेंट में मिले और जिससे मुझे हेयर में होल्ड भी मिले। ओके, और मैट सेपरेशन फिनिशिंग के लिए मैट सेपरेशन द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द ना, इफ यू रियली वांट, मतलब अगर आपको बाल सेंगे पूरा लॉक कर देना है, हिले नहीं बाल आप, मतलब आपको यस साइक्लोन भी आ जाता है फिर बाल नहीं हिले तो हिले ये था एक, दिस इज हाउ आई गेट माय हेयर स्टाइल, दिस इज हाउ ही डज माय हेयर स्टाइल। अगर आपको पसंद आया तो इसका एक छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो आप हमारे इंग्लिश चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको बाकी सारे वीडियोस देखनी है तो हमारे इंग्लिश चैनल पर काफ़ी सारे बहुत सारे वीडियो क्यू एंड ए वीडियोस हैं, हेयर कलर वीडियोस हैं, बहुत कुछ है, वो सारे में अभी हिंदी में बनाएंगे क्योंकि हिंदी चैनल अभी हो गया तो फिर एनीवे दैट वाज हाउ आई गेट माय हेयर कट डन, थोड़ा फजी इंस्पायर, थोड़ा स्टाइलिश, मिक्स ऑफ बोथ। अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप जब भी क्राउन एरिया पे, मतलब टॉप एरिया पे जब भी आप कप करते हो, आपका ये एरिया शॉर्ट होना चाहिए और ये एरिया लॉन्ग होना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है, आप जब भी खड़े रहोगे सामने किसी के भी तो आपका ये पोर्शन आपका विजिबल ज़्यादा होता है, मतलब आपका फोरहेड ज़्यादा विजिबल होता है। तो आपका ये लेंथ होना चाहिए, ये शॉर्ट होना चाहिए। अगर ये पैरेलल रहा तो ये अप होगा और ये बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखेगा क्योंकि ये यहाँ पे कर्व आता है, मतलब जो फोरहेड जो है यहाँ पे कर्व आता है, जिसके वजह से अगर आपने यहाँ पे लेंथ कम रखा तो आपका ये वॉल्यूम जो है जो फ्रंट में आता है वो फ्लैट हो जाएगा और ये अप हो जाएगा, जो बहुत गंदा लगेगा। That was it. अगर आपको हेल्पफुल लगे, अगर आपको ऐसे सारी और वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट करके बताओ और कौन से वीडियोज़ देखनी है और कैसे टाइप के हैं, तो जिन वीडियोज़ देखनी है। अभी हम और एक नया वीडियो शूट करेंगे ऑन हाउ टू गेट अ हेयर स्टाइल ऑन अ बाल्ड मैन, वो शायद इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं कौन से चैनल पर जाएगा, लेकिन वी हैव इट ऑनलाइन ऑन बोथ द चैनल्स। सो ये था हमारा वीडियो, इनका इंस्टाग्राम लिंक और हमारा कंसल्टेशन लिंक। अगर आपको हेयर स्टाइल चाहिए तो वी हैव बीन डूइंग अ कंसल्टेशन, हमारा कुछ 2-3 साल पुराना कंसल्टेशन है, बहुत जन को पता नहीं क्योंकि हम अपना खुद का सलून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच शुड भी जल्दी हो जाएगा तो पता चल जाएगा आपको, बट जितना जल्दी होगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी बेस्ट है। तो अगर आपको इनसे हेयर स्टाइल चाहिए करने से तो उनका इंस्टाग्राम लिंक और हमारे कंसल्टेशन लिंक दोनों नीचे है, इंस्टाग्राम पर क्लिक, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करो, चेक करो और हम जाते हैं बाकी सारे, ध्यान रखना, ख्याल रखना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।